ये है मुर्गी, लाइक लोकल मुर्गी, इसको मैं अभी सफा कर रहा हूँ। ये हो चुका है। तो गाइस देखो आग एकदम बढ़िया से लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह से जलाएंगे। बाबा ये देखो, फिलहाल गाइस हो चुका है पूरा काट के। ये देखो गाइस लोकल चिकन मम्मी ने बैठा दिया यहाँ पे पूरा मसाला सस्ता ढाल के। गाइस देखो ये है ड्राई मीट और ये है झूल का मीट। वाह लोकल मीट। फिलहाल गाइस अभी हम लोग आए हैं दुकान पे और ऑर्फिनेज का बच्चा लोग हम लोग देंगे कुछ। तो देखो गाइस ये लिया हम लोग क्या क्या लिए, चिकलेट चॉकलेट काफी ज्यादा अच्छा होता है ये भी, कलम रंगील कॉपी ये भी चाहिए होता है ना उन लोगों को। तो गाइस अभी ये लेके चलते हैं वहाँ पे। सो हे गाइस एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। जैसे कि अभी मैं हूँ दोस्त के घर पे और दोस्त गया है बाहर कुछ सामान लेने के लिए, और आज ना गाइस सावन का बर्थडे है, देन आज कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग आए हैं दुकान पे और ऑर्फिनेज का बच्चा लोग हम लोग देंगे कुछ, लाइक अभी दिखाता हूँ क्या क्या देने वाले हैं हम यहाँ से। एक्चुअली गाइस पैसा तो नहीं है, बट सावन का बर्थडे है बोलकर हम लोग कुछ स्पेशल करने वाले और डोनेशन करके देते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल गाइस 200 रुपया, देन इन्होंने भी थोड़ा सा मदद किया है और ये भी थोड़ा मदद कर रहे हैं। देन इसका तो बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, थोड़ा मार्क्स हटाओ ना, हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ हाथ ना, ये लो मेरा तरफ से, बिकॉज ये लोग पहले आके इसको दे चुका है और ये लेगा सामान बिकॉज इसका बर्थडे है, तो देन ये गिफ्ट बांटेगा। हम लोग तो जस्ट जाएंगे इसका मदद करने के लिए। चलो ले लो सामान जो लेना है तुमको। तो कैसे बढ़िया, हम तो पूरा मस्त, लेकिन ठंडा हो गया तो और ज्यादा मस्त लगा रहे। कपड़ा पहन सकते हैं ना ठंडा मौसम में? कपड़ा पहले क्या, कपड़ा नहीं पहनता देगा, पहले लेंगटा घूमता देगा। हम एक घंटा पहले पहुंच जाता था, हम लोगों को कुछ हाउसी हुआ था क्या, मोर देन 5-700 कार्ड देता था। हाँ हमको पता है आप हाउसी खेल रहा था उनके। नहीं हम नहीं खेल रहा था, कसम से हम नहीं खेल रहा था, रास्ता में ब्लॉकेज करके रखा था, वही में हम रुक गया बहुत देर। कोई नहीं, हम लोग अभी जो हम लोग मिले ना तो ऑलमोस्ट 20 डेज के बाद ही वापस हम लोग मिलेंगे होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। नहीं तो अभी थोड़ा देर में बताऊंगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है, और मेरे दोस्त लोग से मिलूंगा मैं 20 डेज के बाद, और कौन सी जगह में जाने वाला हूँ वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो देखो गाइस ये लिया हम लोग ने, मजा होगा, रोल है, मजा होगा, मजा बच्चे लोगों को खिलाएंगे। और क्या क्या लिए आपके लिए, चिकलेट चॉकलेट काफी ज्यादा अच्छा होता है ये भी बच्चे लोग के लिए, उसके बाद कलम कुछ रंगील को अच्छा लगेगा ना, आपके कॉपी ये भी चाहिए होता है ना उन लोगों को। तो गाइस अभी ये लेके चलते हैं वहाँ पे और देते हैं उनको। चलो रात भी हो चुका है ऑलमोस्ट, 6:30 हो चुका है, 6:30 हो चुका है, क्या पता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जाके देखते हैं क्या। तो ले चुके हैं सामान वगैरह ऑलमोस्ट 800 कुछ इतना पड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस। देन अभी चलते हैं सीधा ऑर्फनेज की तरफ और वहाँ के बच्चों लोगों को देंगे, हो गया ना, फुल पावर, फुल पावर। चलो चलो चलो, तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल ओदो है। इकबाल ओदो है ना। तो गाइस अभी हम लोग भैया को दे दिए ये सामान, बिकॉज अंदर में ना प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो इसके वजह से वहाँ पे पूरा भीड़ भाड़ है ना, तो मैम ने भी बोला कि इनको दे दो बोल के, तो सामान हम लोग इनको दे रहे हैं और ये बच्चे लोगों को दे देंगे, कोई नहीं, ठीक है। और इसका बर्थडे है भैया, वो स्पेशली इसका बर्थडे, तो आप ठीक है भैया, अगर आप लोग को भी आने का है ना तो मैं थोड़ा दिखा दूंगा यहाँ का लोकेशन। और ये जगह को क्या बोलते हैं भैया, CCI बोलते है ना, ये जगह को क्या बोलते है, रोइंग चेतातु ना, CCI ना, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, अच्छा लग रहा है? एकदम दिल को बहुत अच्छा लगा, दुख 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 हो रहा है, मतलब खुशी लगा कि नहीं लगा वो बताओ, लग रहा है, मजा लग रहा है, अच्छा लगा ना। और आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा ना। और तुमको कैसा लगा बताओ? अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा? नेक्स्ट टाइम बोला कि भैया लोग बोला कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएगा ना देन आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। और तेरा बर्थडे में बहुत अच्छा काम किया है ना, ये बहुत अच्छा काम किया, तो इसका दिमाग था गाइस ये सब देने का, इसने हमें इंकरेज किया कि ऐसा ऐसा करने का संतोष, लाइक ये सब इसी का प्लानिंग था, तो अच्छा लगा, तेरा प्लानिंग बहुत अच्छा था। गाइस ये है स्पेशलिस्ट एडॉप्शन एजेंसी नाना मैरिया चिल्ड्रंस होम, यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट डोनेट किए बच्चे लोग के लिए बर्थडे की खुशी में, आप देख सकते हो चेताटू में है ये, आप लोग भी आके बच्चे लोगों को कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हाई सेकेंडरी, तो सावन चला गया, उसको उसका फोन कर रहा था बोलते हैं। अभी यहाँ पे है प्रीतम, जीतन, अब किशन भी ज्वाइन हो चुका है, एंड हम लोग का नया दोस्त मनीष, मनीष पांडे नहीं पांडे, मनीष गिरी बोलना क्या, अगर तुम बोलना क्या चाहता है, तुम्हारा कोई भी बॉल में सिक्स मारेगा सोच रहा है क्या? और यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन टैपुल टूर्नामेंट फाइनल का दिन में आप लोग सब लोग आइए देखने के लिए, बहुत मस्त होगा, देखना क्या मजा सेटअप। हां गाइस आ जाओ यहाँ पे फाइनल का दिन में, मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन बट आप लोग आ जाना यहाँ पे देखने के लिए, सही है। यहाँ पे फुटबॉल देख रहे हैं सब लोग मिलके, चेकआउट द फुटबॉल टीम को गाइस, ये लोग पूरा एकदम बढ़िया से खेल रहे हैं।
और यहाँ पे हमारे बीच में है मेरे दोस्त लोग। तो सावन तो चला गया, चुलबुल पांडे लोग है सब भैया, चुलबुल पांडे लोग है सब। सावन तो चला गया भैया। ये है मुर्गी, लाइक लोकल मुर्गी, इसको मैं अभी सफा कर रहा हूँ। एक्चुअली बोलने से मेरे घर पे आपको तो पता ही है, दीदी एंड जीजाजी मेहमान, मतलब दीदी एंड जीजाजी मेहमान ही है एक्चुअली बोलने से। जीजाजी भी कल परसों चले जाएंगे, देन आज लोकल मुर्गी खाएंगे गाइस। तो लोकल मुर्गी मैंने कट किया, देन इसी को पका के बहुत ही बढ़िया से खाते हैं, ठीक है। इसको सफा कर लेते हैं पहले। तो फिलहाल गाइस देखो ये हो चुका है। तो फाइनली गाइस मैंने पूरा एकदम धुला के लेके आ गया, अभी थोड़ा सा जलाऊंगा मुर्गी को, देन जलाने के बाद इसको कट करूंगा, ठीक है। दीदी अलग दीदी आग लगा दी ना, चलो इसको जलाते हैं अभी। इसका जो चूल है ना गाइस, इसको पूरा जलाना पड़ता, नहीं तो ये चूल को खाने का मजा नहीं होता गाइस। तो गाइस देखो आग एकदम बढ़िया से लगा हुआ है, तो इसको हम अच्छी तरह से जलाएंगे, उसके बाद कट करेंगे। हाँ ये देखो गाइस, वाओ लोकल मुर्गी का बात ही कुछ अलग होता है, लेकिन बढ़िया है, पूरा चर्बी चर्बी वाला मुर्गी है। घर का मुर्गी होता है ना गाइस, घर का मुर्गी हमेशा अच्छा होता है खाने के लिए। और इसका ये हम निकाल देंगे, यहाँ पे कुछ निकलेगा, ये देखो निकल रहा है ना। इसको और जलाना पड़ेगा, अच्छी तरह से नहीं जला, देखो अभी निकालता हूँ मैं, देखो ये देखो गाइस। तो गाइस ये है इसका माथा, माथा को भी जलाना पड़ेगा। माथा तो चिंता से, ओ माथा तो कुछ इस तरह से जलाएंगे, हाथ जल रहा है, ओ भाई साहब हाथ का बाल जल रहा है यार, इधर का जो बाल है ना वो जल रहा है। मम्मी कैसा पकड़ रहा है? तो गाइस देखो ये भी हो चुका है, देन इसको यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे ये है ब्रॉयलर का मीट, दीदी बोल रहा है इसको जला के खाएगा, बोल के यहाँ पे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी यहाँ पे लहसुन को सफा कर रही है। तो अभी मुझे ना क्या चाहिए, मुझे अचानो चाहिए, अचानो मतलब वो वाला, तो उस पे मैं कट करूंगा मुर्गी को, ठीक है। चलो हम लोग उधर कट यहाँ पे रखूंगा, दिन कट करूंगा, ऑपरेशन करते हैं। सो गाइस अभी मैं लोकल मुर्गी का ऑपरेशन करने वाला हूँ, तो किस तरह से ऑपरेशन करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली बोलने से मुझे मेरा हथियार चाहिए, जैसे सबका अपना अपना हथियार होता है, मेरा भी हथियार है रे बाबा। तो गाइस ये है अचानो, हम लोग नेपाली में बोलते हैं, और ये है मीट। हाय थक गया गाइस, अब आज बहुत ज्यादा थक गया, बिकॉज तेजू से आया हूँ बाइक चला के, बहुत ज्यादा थक गया। पहले इसका पाव को हमको काटना होगा, जो ये पेड़ है ना, जैसे कि गाइस ये देख सकते हैं दो पाव, जो इसके अंदर खाना रहता है, यहाँ पे खाना रहता है। इसके लिए हम चमड़ा को थोड़ा सा सफा करेंगे, बाबा ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, इसका अंदर का सामान निकल रहा है। तो फिलहाल गाइस हो चुका है पूरा काट के, और ये है अपना मीट लोकल मुर्गी, देन इसी को अभी हम लोग पकाएंगे काफी बढ़िया से। तो लुक एट द मुर्गी का मीट को गाइस। तो गाइस अभी खाना साना बनाते हैं और इसको भी बनाते हैं, ठीक है चलो। ये देखो गाइस लोकल चिकन मम्मी ने बैठा दिया यहाँ पे, पूरा मसाला सस्ता ढाल के विथ नेपाली तड़का, पूरा नेपाली तड़का में पकेगा अभी ये काफी बढ़िया से, उसका खाएंगे हम लोग सब परिवार मिल के। और चूल्हा में पका रहा है एक्चुअली बोलने से गाइस, चूल्हा में पकाया वाला चीज ना, और एक्चुअली ना चूल्हा में जो पकाते हैं ना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है चूल्हा में पकाया वाला, सच्ची में बोल रहा हूँ गाइस। गाइस इसमें पका के देखना तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है इसमें पकाया वाला, बिकॉज ये नेचुरल टाइप का आग होता है ना, वो तो आपका गैस वाला आग है, तो इसमें पकाया वाला जो भी चीज लाइक सब्जी वगैरह ना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है गाइस। और रुकते मतलब पकने तक रुकते, उसके बाद खाएंगे, ठीक है बढ़िया से वो लेग पीस खाएंगे, ठीक है। गाइस देखो ये है फ्राई मीट और ये है झूल का मीट। एक्चुअली बोलने से गाइस ये झूल बनाया मम्मी ने, और झूल पीना बहुत अच्छा है बिकॉज बहुत ताकत आता है। वाह लोकल मुर्गी है, और यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा जीजा जी खा रहे है गाइस। कस्तो बनेगा छ के बिना जो दामी दामी छ नि पिता, कस्तो बनेगा छ यो चुआक चुआक नि दीदी दामी दामी। और ये मेरा माँ थूक नील के बैठ रहा है यहाँ पे खाने नहीं मिल रहा है यहाँ पे मम्मी को, मम्मी आज नहीं खाएगा ना, नहीं खाएगा बिकॉज मम्मी का आज बर्थ सारा कुछ होता होगा, मुझे भी इतना पता नहीं है क्योंकि मैं भी
तो खाओ ना, आप क्यों नहीं खा रहे? हम लोग देख के थूक, ऐसा थूक मत देना ना, हम लोग का पेट दर्द देगा ना। खा लो ना मम्मी, मम्मी निकालो निकालो, हो जाएगा ना, सब अपना आदमी है ना, हम लोग निकाल के। तो यहाँ पे देखो गाइस, पापड़, यहाँ पे टेंगा सेंगा है, तो यही खाएंगे। चलो गाइस खाना शुरू करते हैं। ये देखो लोकल, वाओ, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ, बहुत ज्यादा टेस्टी हुआ।